एप्पल ने 2014 में स्टॉक स्प्लिट किया था, उसके बाद 2020 में किया है, टेस्ला ने किया था 2020 में, तो डेफिनेटली उसमें स्विंग ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, मीडियम लेवल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और वो सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद SEC अप्रूव करती है स्टॉक स्प्लिटिंग को। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। होपफुली आप सारे बढ़िया होंगे। आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्टॉक स्प्लिटिंग पे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक स्प्लिटिंग होती क्या है। देखो, स्टॉक स्प्लिटिंग का बेसिकली मतलब है जब कोई भी कंपनी नंबर ऑफ़ शेयर्स में अल्ट्रेशन करती है, नंबर ऑफ़ शेयर्स को चेंज करती है, उसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिटिंग। ये दो तरह की होती है, फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिटिंग या फिर रिवर्स स्टॉक स्प्लिटिंग। नॉर्मली हम देखते हैं फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिटिंग करती हैं कंपनीज, उसका मतलब क्या है? देखो, एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक शेयर है टेस्ला का, उसकी वैल्यू है $1,000। सही है। जब स्प्लिटिंग होगी, लेट से उन्होंने स्प्लिटिंग की है 1/5, तो अभी आपके पास 5 शेयर हो गए, एक शेयर की वैल्यू होगी $200, लेकिन उनकी टोटल वैल्यू सेम रहेगी। सही है ना, इस बात की समझ आ गई कि आपके पास पहले था एक शेयर, उसकी वैल्यू थी $1,000, अभी आपके पास 5 शेयर हैं, टोटल वैल्यू सेम है, लेकिन इंडिविजुअल शेयर की वैल्यू वो कम हो गई, नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो इंक्रीज हो गए। दूसरा केस क्या होता है? रिवर्स स्टॉक स्प्लिटिंग। अब उस केस में लेट्स से आपके पास है 40 शेयर हैं किसी कंपनी के, और उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है $1। आपके पास 40 शेयर है, टोटल वैल्यू कितनी होगी? $40 की। अब उस कंपनी ने सोचा कि हमने रिवर्स स्टॉक स्प्लिटिंग करनी है, तो उस केस में वो कंपनी एक शेयर की वैल्यू बढ़ा देगी। तो अभी लेट्स से उन्होंने कर दी है 20/1 में जो उन्होंने स्टॉक स्प्लिटिंग कर दी है, मतलब रिवर्स की है, तो इस केस में अभी आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू पहले थी $1, अब हो गई है $20। उनकी वैल्यू सेम रहेगी, पहले आपके पास थे 40 शेयर, अब आपके पास हो गए 2 शेयर, उनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? $40। हम इतना डीप नहीं जाएंगे, रिवर्स स्टॉक स्प्लिटिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको मैंने नॉलेज देना था, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या किस तरह की ये होती है, दो तरह की होती है। हम आज बात करेंगे फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिटिंग के बारे में, जो होने जा रही है अमेज़ॉन में और टेस्ला में। अब हम देखते हैं कि स्टॉक स्प्लिटिंग करती क्यों है कंपनीज। देखो, हर एक कंपनी चाहती है कि उस कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, तो वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना शेयर प्राइस कम कर देते हैं, ताकि हर एक बंदा अफोर्ड कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $10,000 है, तो हो सकता है कि आप अमेज़ॉन का शेयर जो है ना खरीदना चाहें, क्योंकि वो अबव 3,000 है, $3,300-$3,500 का है। लेकिन अगर वही आपको शेयर लेट्स से $500 में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि ओके, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही हर बंदा जो है वो अपनी रेंज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है, तो कंपनीज जो है वो अपने शेयर की वैल्यू, जो एक इंडिविजुअल शेयर की वैल्यू है, वो कम कर देती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ा देती हैं, ताकि वो मार्केट में और शेयर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके इन्वेस्टर्स के पास। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनी स्टॉक स्प्लिटिंग करती है। जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है, तो लिक्विडिटी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बाय आस्क का स्प्रेड बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली उसमें स्विंग ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, मीडियम लेवल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, वो सभी जो है उस पर फोकस करते हैं जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। जब भी कोई कंपनी अनाउंस करती है स्टॉक स्प्लिटिंग, वो सीधा स्प्लिट नहीं कर सकती, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है विद इन कंपनी। जब वो उसको अप्रूव करते हैं कि ओके, वी आर रेडी फॉर स्टॉक स्प्लिटिंग, उसके बाद SEC को वो एक लेटर भेजते हैं, तो वो रिक्वेस्ट लेटर होती है जिस पर ये लिखा होता है कि हम स्टॉक स्प्लिटिंग करना चाहते हैं। सो SEC जो कि कंट्रोल करती है पूरी मार्केट को, वो उसको एनालाइज करते हैं कि क्या उनकी बैलेंस शीट्स, क्या उनकी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं, वो सपोर्ट करती है स्टॉक स्प्लिटिंग को, और वो सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद SEC अप्रूव करती है स्टॉक स्प्लिटिंग को। एक और बात, जब किसी भी कंपनी को स्टॉक स्प्लिटिंग के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती है, तो वो कम से कम अनाउंस डेट से 10 दिन पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें स्टॉक स्प्लिट के टाइम अमेज़ॉन, टेस्ला या कोई भी और स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं। इसको देखने के लिए हमें 1.5-2 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2020 में, अगस्त 2020 में जब लास्ट टाइम टेस्ला ने स्टॉक स्प्लिटिंग की थी, तब क्या इफ़ेक्ट पड़ा था स्टॉक प्राइस पर, उसकी बाय एंड सेलिंग में, वो हम चार्ट्स पर देखेंगे, उसके टेक्निकल उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि क्या हमें ये बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास है टेस्ला का ईयरली चार्ट, और ये कैंडलस्टिक है 1 डे की, मतलब एक कैंडलस्टिक जो रिप्रेजेंट कर रही है 1 डे को। अब देखो, लास्ट स्प्लिट टेस्ला का हुआ था 2020 में, अगस्त 31 को।
लेकिन जब स्प्लिट अनाउंस हुआ था वो हुआ था अराउंड यहाँ पे, मतलब 12-13 अगस्त को अनाउंस हुआ कि हमने स्प्लिट करना है, और जब उन्होंने रियल में स्प्लिट किया तो वो हुआ था यहाँ पे। जब स्प्लिट हुआ है तब स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है, देख रहे हैं ना आप। सो यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है, यहाँ पे अनाउंस हुआ है, स्टॉक प्राइस अप गया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो 31 के बाद नीचे आके स्टेबल रहा है वहीं पे, और 16 नवंबर तक उसके बाद अप ट्रेंड शुरू है। तो अभी आपने टेस्ला चार्ट पर ये तो देख लिया है कि जब स्प्लिट अनाउंस होता है तब क्या इफेक्ट होता है, जब स्प्लिट एक्चुअल होता है तब क्या इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जब स्प्लिटिंग होगी राइट वे एंटर मत करना, उसको थोड़ा टाइम दो, वो नीचे आए, कूल ऑफ करे थोड़ा सा स्टॉक एक लेवल पर, जहाँ पर आके वो स्टेबल हो गया। पता है आपको, अब देखो स्टॉक अगर आप टेस्ला का देखें तो अगस्त 2020 से लेकर नवंबर तक एक लेवल पर चला, नीचे आने के बाद एक लेवल पर, उसके बाद ऊपर गया। तो जब वो एक लेवल पकड़ लेता है वहाँ पर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म उसको स्विंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब जब स्प्लिट होती है राइट वे उसमें एंट्री मत ले लेना, थोड़ा उसको टाइम दो, सेटल डाउन हो जाए स्टॉक। क्योंकि क्या होता है, जब अनाउंस होती है ना तब एक हाइप होती है, और हाइप का फ़ायदा कौन उठाता है, स्विंग ट्रेडर्स। और मार्केट में 60-70% लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं। जब वो फ़ायदा निकालते हैं तो आपको लॉस होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो बल्क लेवल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं, तो जब आप इन्वेस्ट करते हो वो बेच देते हैं। तो हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसको टेक्निकली देख लिया करो कि हिस्ट्री में क्या हुआ था इसके साथ, उस तरीके से आपको प्रेडिक्शन जो बनानी है। कभी भी हमने ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली हमने किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि स्टॉक ये स्प्लिट कर रहा है तो आप उसमें राइट वे इन्वेस्ट करो, तो उसको बोलो कि हमें प्रूफ दिखा कि इसका इस टाइम पे ये इफेक्ट हुआ था। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली उसको बाय करो, लेकिन कब बाय करो, एक डिप आने के बाद। राइट वे उस पर एंट्री मत करना, एक डिप आएगी थोड़ी देर बाद आ सकती है, हो सकता है एक बार हाइप में चला जाए उसके बाद आए, लेकिन जब डिप आई तभी बाय करना, राइट वे एंट्री मत लेना। तो ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक स्प्लिटिंग के बारे में, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो टेस्ला है, चाहे वो इन फ्यूचर अगर एप्पल भी स्टॉक स्प्लिटिंग करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल ग्रोथ का होता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें। एप्पल ने 2014 में स्टॉक स्प्लिट किया था, उसके बाद 2020 में किया है, टेस्ला ने किया था 2020 में, उसके बाद दोनों जो स्टॉक्स हैं वो 100% तक ग्रो किए हैं, मतलब 2 times तक ग्रो किए हैं एप्पल, और जो टेस्ला है वो तो आई थिंक 3-4 times ग्रो किया है जब स्प्लिटिंग हुई थी। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी स्टॉक स्प्लिट करता है उसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, उसमें लॉन्ग टर्म ज़रूर इन्वेस्ट करो, पैनिक सेलिंग मत करो, फोमो मत करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के ओके यार ये तो ऊपर जा रहा है, हाइप आ रही है, मैं राइट वे एंटर कर जाऊँ, उसको थोड़ा टाइम दो सेटल डाउन होने का। जब सेटल डाउन हो गया उसको उसमें इंक्रीज़ करते जाओ अपनी पोजीशन साइज़, और वो ऊपर जाता जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसका आंसर है येस, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अगर आपने स्विंग ट्रेड भी करना है डेफिनेटली आपको करना चाहिए, लेकिन एक लेवल पर पेशेंस रख के थोड़ा मैच्योरिटी दिखा के इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपकी मनी है, आपकी कैपिटल है, और वो आप रिस्क पर लगा रहे हो, तो उसको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ इन्वेस्ट करो। कभी भी किसी स्टॉक में या वैसे मार्केट में गैम्बल मत करो, उसके साथ प्ले अराउंड मत करो, हमेशा मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लो, जल्दबाजी मत करो, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोज़ इस पर अपलोड करता रहूँगा। और सेफली ट्रेड करो, सेफली इन्वेस्ट करो, आप अपना सभी ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में।